Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 5, understanding elementary shapes. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एंगल्स और स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे अबाउट राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल. ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि एंगल्स क्या होते हैं. ठीक है, तो जहाँ पे भी कॉर्नर्स फॉर्म होते हैं वहाँ एंगल्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, हमने सीखा था अबाउट एंगल के कुछ इस तरीके से एंगल्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, अब जो एंगल होते हैं इसकी दो आर्म्स होती हैं. ठीक है, या फिर इसे हम साइड्स भी कह सकते हैं, और ये जो कॉर्नर होता है इसे हम वर्टेक्स कहते हैं. ठीक है, तो ये हो गया एंगल. ठीक है, बहुत सारे एंगल्स के बारे में हमने जाना था. ठीक है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है, तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो भी 0 से 90 डिग्री के बीच में होते हैं. ठीक है, 0 to 90 डिग्री के बीच में होते हैं वो सारे होते हैं एक्यूट एंगल. ठीक है, और जो 90 डिग्री एंगल होता है उसे कहते हैं राइट एंगल. ओके, देन 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो भी एंगल्स होते हैं उन्हें कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, और जो 180 डिग्री एंगल होता है उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल. ठीक है, ये सारे एंगल्स कुछ हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मेनली अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल. ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल को कहा जाता है राइट एंगल, और 180 डिग्री एंगल को कहा जाता है स्ट्रेट एंगल. अब राइट एंगल किस तरीके का दिखता है, तो यहाँ पे आपके ज्योमेट्रिकल बॉक्स में, ठीक है, कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होगा, टूल होगा. ठीक है, इसे कहते हैं प्रोटेक्टर. ठीक है, अब प्रोटेक्टर को यूज़ करके हम क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल और जिसे कहते हैं राइट एंगल फॉर्म करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है. ठीक है, ये हो गई स्ट्रेट लाइन. अब इसी को, इसी के ऊपर से हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हम ये वाला पॉइंट रख देंगे. ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट दिखाई दे रहा है और उसको हम स्ट्रेट इस लाइन पे रखेंगे. ठीक है, ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए. ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए. अब देखो 90 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम इस तरीके से पॉइंट कर लेंगे एंड देन इसको जॉइन कर देंगे. ठीक है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री एंगल, और इसे हम और भी क्या कहते हैं, राइट एंगल. ठीक है, तो राइट एंगल कुछ इस तरीके से दिखता है. अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है. अब देखो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. यहाँ पे हमारा आया था राइट एंगल, देन 90 के बाद 100, 110, 120, 130, ऐसे ही ये जा रहा है 180 तक. ठीक है, तो यहाँ 0 से लेके 180 तक, यानी कि ये जो हाफ सर्कल होता है, ठीक है, 0 से लेके जो 180 तक जा रहा है इसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल. अब जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कैसा दिखता है, एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही दिखता है. ठीक है, अब देखो ये हो गया सेंटर पॉइंट. अब इसको हमने रख लिया यहाँ पे. ठीक है, तो 0 से लेके 180 तक हो गया. ठीक है, तो ये होता है हमारा स्ट्रेट एंगल, जो कि 180 डिग्री का होता है, और इसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल. ठीक है, क्या हम इस एंगल में, स्ट्रेट एंगल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने राइट एंगल मिला के स्ट्रेट एंगल बनता है, तो देखो यहाँ से राइट एंगल कुछ इस तरीके से जाता है. ठीक है, तो एक राइट एंगल होता है ये, और एक राइट एंगल होता है ये. तो देखो दो राइट एंगल्स को मिला के बनता है एक स्ट्रेट एंगल. ठीक है, अब हम करते हैं इस चैप्टर को कंटिन्यू. एक और बेसिक सी चीज़ हम सीखेंगे, ठीक है, वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है, तो ये समझने के लिए हमने यहाँ पे एक वॉच ली है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सेकंड्स वाला जो हैंड है, ठीक है, देखो जो सबसे छोटा हैंड होता है उसे कहते हैं आर हैंड. ठीक है, फिर ये होता है मिनट हैंड, और ये जो कंटिन्यूसली मूव, फर्स्ट फटाफट मूव कर रहा है इसे, ये होता है सेकेंड वाला हैंड. ठीक है, तो अब देखो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस तरीके से. ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि
क्लॉक जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसे कहते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे होता है 6 7 8। अब ये देखो 9 पे मूव कर गया, अब ये 10 पे मूव करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो डायरेक्शन हो गया ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, या क्लॉकवाइज रोटे रेवोल्यूशन बोलेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इसका ऑपोजिट होगा। अब ये देखो ये क्लॉकवाइज हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, इस तरीके से होगा, यानी ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज, अब ये हुआ क्लॉकवाइज तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, अब हम करेंगे चैप्टर को कंटिन्यू। अब हम सब लोग डायरेक्शंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, कितनी मेजर डायरेक्शंस हैं, तो 4 डायरेक्शन के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, 4 डायरेक्शंस जो कि हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ओके एंड साउथ। ठीक है, ये 4 डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, अब इन्हें हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो जिस डायरेक्शन से सन राइज करता है वो होती है ईस्ट, जहाँ पे सेट करता है वो होती है वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगी। ठीक है, डायरेक्शंस के लिए। ठीक है, मान लो यहाँ से सनराइज हो रहा है तो ये हो गई ईस्ट डायरेक्शन, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगी, वेस्ट। ठीक है, ये है नॉर्थ डायरेक्शन और ये है साउथ डायरेक्शन। ठीक है, कभी भी डायरेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं तो हम पहले इसी तरीके का डायग्राम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, यही चीज़ आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। मान लो आप एक डायरेक्शन में खड़े हो, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, आपका फेस किस साइड है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, फिर आपको बोला गया है कि आपको क्लॉकवाइज मूव करना है। ठीक है, तो आपको राइट एंगल टर्न करना है क्लॉकवाइज। क्या बोला है आपको, राइट एंगल टर्न करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फिर बताओ आप कौन सी डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, तो राइट एंगल हमने डिस्कस किया था, 90 डिग्री एंगल होता है। देखो यहाँ पे भी हमें 90 डिग्री एंगल दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, ये सारे राइट एंगल हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में हो, आपको बोला है आपको क्लॉकवाइज जाना है। आप क्लॉक किस साइड जाती है, इस तरीके से जाती है। ठीक है, आपको एक राइट एंगल मूव करना है। ठीक है, आपको बोला कि आप एक राइट एंगल मूव करो, तो ये एक राइट एंगल हो गया। तो आप कौन से डायरेक्शन में आओगे, क्लॉकवाइज मूव करोगे, इस साइड मूव करोगे। ठीक है, तो पहले आप नॉर्थ में फेस कर रहे थे, अब आप कौन से डायरेक्शन को फेस करोगे, आप ईस्ट डायरेक्शन को फेस करोगे। ठीक है, फिर जैसे मान लो आपको बोला है कि आप ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहे हो, आपको फिर से क्लॉकवाइज एक और राइट एंगल मूव करना है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मतलब इस साइड हमको मूव करना है, एक और राइट एंगल मूव करना है, यानी कि ये हो जाएगा ये वाला राइट एंगल। ठीक है, तो ईस्ट से आप यहाँ चले जाओगे क्लॉकवाइज, तो आप कौन से डायरेक्शन को फेस करोगे, आप साउथ को फेस करोगे। ठीक है, फिर मान लो आपको बोला गया है कि आपको क्लॉकवाइज ही जाना है, लेकिन कितने राइट एंगल मूव करना है, 2 राइट एंगल मूव करना है। ठीक है, तो अभी आप कहाँ हो, आप साउथ में हो। ठीक है, 2 राइट एंगल मूव करना है, तो ये हो गया एक राइट एंगल, ये हो गया दूसरा वाला राइट एंगल। ठीक है, क्लॉकवाइज जाना है यानी कि आप इसी साइड जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया एक राइट एंगल और ये हो गया दूसरा राइट एंगल। तो आप कहाँ पर पहुँच गए, आप साउथ में थे, आप कहाँ पहुँच गए, नॉर्थ में पहुँच गए। ठीक है, अब देखो 2 राइट एंगल का मूव करने का मतलब क्या हुआ, 1 स्ट्रेट एंगल। ठीक है, 1 स्ट्रेट एंगल, देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई, आप साउथ में थे, आप नॉर्थ में पहुँच गए, यहाँ स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई ना, तो कौन सा एंगल फॉर्म हुआ, स्ट्रेट एंगल फॉर्म हुआ। ठीक है, तो या तो आपको कहा जाए 2 राइट एंगल मूव करो या 1 स्ट्रेट एंगल मूव करो। ठीक है, तो आप इसी तरीके से एक स्ट्रेट एंगल क्रिएट करोगी, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी।
ठीक है, और आप कितना रेवोल्यूशन लोगे, हाफ रेवोल्यूशन लोगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा जो सर्कल बन रहा है एक तरीके से क्लॉकवाइज आप मूव कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, रेवोल्यूशन ले रहे हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, आपका एक हाफ रेवोल्यूशन हुआ। फिर से समझते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको कहा गया है आप ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहे हो, ठीक है, और बोला है आपको वन स्ट्रेट एंगल मूव करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो आप ईस्ट में हो, क्लॉकवाइज जाना है, मतलब आप इस तरीके से मूव करोगे, इस साइड मूव करोगे, ओके, और वन स्ट्रेट एंगल बोला है यानी कि हमें दो राइट एंगल मूव करने पड़ेंगे और 180 डिग्री मूव करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री, ठीक है, आप कहाँ पहुँच गए, आप वेस्ट में पहुँच गए, ठीक है, तो अभी हम ईस्ट फेस कर रहे थे, हमने वन स्ट्रेट एंगल मूव किया, हम पहुँच गए वेस्ट में। इसी तरीके से मान लो आप नॉर्थ में हो, ठीक है, आपको बोला गया है वन स्ट्रेट एंगल मूव करो क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज बोला है तो आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे, सो नॉर्थ से आप कहाँ आ जाओगे, साउथ में आ जाओगे, ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ये 180 डिग्री बन रहा है, तो नॉर्थ में हो तो साउथ में आ जाओगे, ईस्ट में हो तो वेस्ट में आ जाओगे, वेस्ट में हो तो ईस्ट में आ जाओगे और साउथ में हो तो नॉर्थ में आ जाओगे, ठीक है, स्ट्रेट एंगल मूव करने पे ऐसा होगा। अब देखो ये तो था क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं। अब जैसे आपको बोला गया है, जैसे आप हो नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, आपको बोला है नॉर्थ डायरेक्शन आप फेस कर रहे हो, फिर बोला है आपको वन राइट एंगल मूव करो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है कि हम इस तरीके से घूमते हैं इस तरह, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि आप नॉर्थ से ईस्ट में नहीं आओगे, आप किस साइड जाओगे, वेस्ट साइड जाओगे। वन राइट एंगल बोला है, ये हो गया वन राइट एंगल, यानी कि नॉर्थ से आप कहाँ आ जाओगे, कौन सी डायरेक्शन को फेस करोगे, वेस्ट को फेस करोगे। फिर बोला है कि वन स्ट्रेट एंगल मूव करो, ठीक है, जहाँ पे हो वहाँ से, यानी हम वेस्ट में हैं, वहाँ से बोला है वन स्ट्रेट एंगल मूव करो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि हम इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है, वन स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री, यानी कि हमें इतना मूव करना पड़ेगा, तो वेस्ट से चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम कहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन को फेस करेंगे, ईस्ट को फेस करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन दिए होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो आपको इसी तरीके से करना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज बोला है तो इस तरफ मूव करेंगे और क्लॉकवाइज बोला है तो इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है, वन राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री मूव करना है और स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री मूव करना है। अब ये राइट एंगल मूव करना और वन स्ट्रेट एंगल मूव करना, ये चीज़ हम क्लॉक से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, मान लो जैसे कि ये हमारा क्लॉक है, यहाँ है 12 6 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, तो अब जैसे कि आपका आर हैंड ले लो, जैसे कि वो है 12 पे, ठीक है, और बोला गया है कि आपको वन राइट एंगल मूव करना है, तो बताओ आपका ये जो आर हैंड है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, वो कहाँ पहुँचेगा, 3 पे पहुँच जाएगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है, तो हमने वन राइट एंगल क्लॉकवाइज मूव किया, तो हम 12 से कहाँ पे आ गए, 3 पे आ गए, तो ये हो गया वन राइट एंगल मूव हमने कर दिया, हम 12 से आ गए 3 पे, ठीक है। मान लो वन राइट एंगल नहीं बोला है, हमें बोला है कि वन स्ट्रेट एंगल मूव करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी इस तरीके से ही मूव होगा, ठीक है, वन स्ट्रेट एंगल बोला है तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, देखो यहाँ हो गया 12 और स्ट्रेट एंगल यानी कि क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है, तो 12 से लेकर 6 तक क्या फॉर्म होगा, 180 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, यानी 12 से लेकर अगर हम वन स्ट्रेट एंगल मूव करें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 6 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब जब हमने वन राइट एंगल मूव किया था तो हम 3 पे पहुंचे थे, यहाँ बन रहा था 90 डिग्री एंगल, ठीक है, सो 12 से 3 पे जब हमने मूव किया तो हमने कितना पार्ट मूव किया, तो देखो
यहाँ पे इस तरीके से कुछ फोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, फोर पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, जब थ्री पे आ रहा है तो हमने कितना पार्ट मूव किया था, वन पार्ट मूव किया था, तो यहाँ पे हमारा कितना रेवोल्यूशन हो रहा था, 1/4 रेवोल्यूशन हो रहा था, ठीक है, इसको हम बोलेंगे 1/4 रेवोल्यूशन। अब देखो, वन स्ट्रेट एंगल, जब हमने स्ट्रेट एंगल मूव किया तो हम 12th से कहाँ पहुँच गए, 6 पे पहुँचे, तो देखो हमने आधा रेवोल्यूशन ले लिया, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, तो इस जब हमने 12th से 6 तक मूव किया, यानी कि वन स्ट्रेट एंगल मूव किया, तो हमने कितना रेवोल्यूशन लिया, हमने हाफ रेवोल्यूशन लिया, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम वन राइट एंगल मूव कर रहे हैं, इट मीन्स हम 1/4 रेवोल्यूशन ले रहे हैं, और अगर हम वन स्ट्रेट एंगल मूव कर रहे हैं तो हम हाफ रेवोल्यूशन ले रहे हैं। लेकिन मान लो जैसे कि ये चीज़ नहीं है, ठीक है, हम कहाँ पे हैं, हम 12th पे हैं, ठीक है, हम 12th पे हैं, और ये जो आर हैंड है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पे आ गया है घूम के, ठीक है, यानी कि इसने कितना मूवमेंट लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट लिया है, तो इसको हम कितना रेवोल्यूशन बोलेंगे। तो देखो कितने राइट एंगल मूव किया है इसने, देखो इस तरीके से अगेन डिवाइड कर लो, देखिए ये था वन राइट एंगल, ये था टू राइट एंगल, और ये था थर्ड राइट एंगल, तो यहाँ पे 3 राइट एंगल मूव किए हैं आर हैंड ने, और कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है, देखो 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा थर्ड, फोर्थ, 3/4 रेवोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे जो आर हैंड है उसने 3/4 रेवोल्यूशन लिया है, ठीक है, तो वन राइट एंगल मीन्स 1/4 रेवोल्यूशन, वन स्ट्रेट एंगल मीन्स हाफ रेवोल्यूशन, और 3 राइट एंगल्स मीन्स 3/4 रेवोल्यूशन। नाउ लेट्स सी, ट्राई दिस विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 91 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज़ द एंगल नेम फॉर हाफ अ रेवोल्यूशन, यानी कि हाफ रेवोल्यूशन जो हम लेते हैं उस एंगल को क्या बोलते हैं, ठीक है, हाफ रेवोल्यूशन यानी कि जैसे कि मान लो ये क्लॉक है, ठीक है, यहाँ है 12, ओके, यहाँ है 6, यहाँ 3 है, यहाँ है 9, ठीक है, मान लो आर हैंड है आपका 12 पे, ठीक है, अब इसने हाफ़ रेवोल्यूशन लिया, यानी 12 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाफ रेवोल्यूशन यानी कि 6 पे आ जाएगा आर हैंड, तो ये हो गया हाफ रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है स्ट्रेट एंगल, ठीक है, सो वॉट इज़ द एंगल नेम फॉर द हाफ हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, तो हाफ रेवोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल, यहाँ लिख देते हैं हम स्ट्रेट एंगल। देन सेकेंड क्वेश्चन हमें गिवन है, वॉट इज़ द एंगल नेम फॉर 1/4 रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, तो 1/4 रेवोल्यूशन को क्या बोलेंगे, ठीक है, 1/4 रेवोल्यूशन यानी कि मान लो आपका आर हैंड है 12 पे, ठीक है, और 1/4 रेवोल्यूशन यानी कि 1/4 में कहाँ पे आ जाएगा, वो 3 पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 1 पार्ट मूव करना यानी कि इतना पार्ट मूव करना, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है, तो 1 पार्ट हमने मूव किया, यहाँ पे आ गया आर हैंड, कहाँ पे आया, 3 पे आया, तो देखो यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे 1/4 रेवोल्यूशन को बोलेंगे राइट एंगल, ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ड्रॉ 5 अदर सिचुएशंस ऑफ 1/4, हाफ एंड 3/4 रेवोल्यूशन ऑन अ क्लॉक, यानी कि हमें क्लॉक बनानी है, ठीक है, और उसमें 1/4 दिख रहा हो ऐसी सिचुएशंस हमें ड्रॉ करनी है, हाफ दिख रहा हो ऐसी 5 सिचुएशंस ड्रॉ करनी है, एंड 3/4 दिख रहा हो ऐसी 5 सिचुएशंस ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 1/4 ले लेते हैं, ठीक है, 1/4 दिख रहा हो ऐसी सिचुएशंस ड्रॉ करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम बना लेते हैं क्लॉक, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, और 1/4 दिख रहा हो ऐसी 5 सिचुएशंस बनानी है, तो एक तो हम बना लेंगे, देखो 12 पे लगा दो और 3 पे लगा दो, ये बन गया 1/4, ठीक है, इसी तरीके से एक और बनाते हैं, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है, अब मान लो
आपका आर हैंड थ्री पे है और 1/4 बनाना है, तो 1/4 के बाद कहाँ पहुँच जाएगा, वो 6 पे पहुँच जाएगा। ये बन गया राइट एंगल। इसी तरीके से और बना लो, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। अब मान लो आपका आर हैंड 6 पे है, राइट 1 राइट एंगल के बाद यानी 1/4 रेवोल्यूशन के पास पहुँच जाए बाद पहुँच जाएगा 9 पे। ये बन गया 1/4, ठीक है, 1/4 रेवोल्यूशन। इसी तरीके से एक और बना लो, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे हम मान लो यहाँ पे 9 पे है, 1/4 रेवोल्यूशन के पास बाद पहुँच जाएगा 12 पे, ठीक है। ये हो गया 1/4 रेवोल्यूशन, ठीक है। एक और बनाना है, एक और बना देते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, अब देखो ये तो हमने ले लिए, ठीक है, 12 से ले लिया, 3 से ले लिया, 6 से ले लिया, 9 से। अब दूसरे नंबर से भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ले लिया 2 से, मान लो 2 पे है, ठीक है, तो 1/4 रेवोल्यूशन के बाद कहाँ पे जाएगा, तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। तो देखो जब भी हम 1/4 रेवोल्यूशन लेते हैं तो देखो कितने मिनट्स मूव कर रही है हमारी, यहाँ से हम देख लेंगे कि कितने नंबर्स मूव कर रहे हैं। तो 12 पे है तो 1, 2, 3 नंबर्स मूव कर रहा है, या फिर अगर मान लो ये हमारा मिनट हैंड है तो 5, 10, 15 मिनट्स मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखो 3 नंबर्स मूव कर लेते हैं यहाँ से, 3, 4, 5, यानी कि हमारा जो हैंड है वो कहाँ आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। देखो बन रहा है राइट एंगल, ठीक है, ये हो गया 1/4 रेवोल्यूशन। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर से लेके 1/4 रेवोल्यूशन बना सकते हैं। अब हम बनाते हैं हाफ रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन बनाते हैं, देखो फर्स्ट में बनाते हैं, मान लो कि हमारा आर हैंड 12 पे है, तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद कहाँ पहुँच जाएगा, 6 पे पहुँच जाएगा। देखो कितने नंबर्स हमने मूव किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है। इसी तरीके से मान लो हमारा आर हैंड 3 पे है, तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद कहाँ पहुँच जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 पे पहुँच जाएगा। हो गया यहाँ हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है, हाफ रेवोल्यूशन हो रहा है, 3 to 9 पहुँच गया। अब हम बनाते हैं, अब देखो 12, 6 और 3, 9 तो हो गया। अब हम ले लेते हैं 1, ठीक है, जैसे 1 पे है तो अब स्ट्रेट एंगल कैसे बनाएंगे, 6 नंबर्स मूव कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ पहुँच जाएगा, 7 पे पहुँच जाएगा। ये हो गया हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है। इसी तरीके से आप 2 ले लो, ठीक है, तो 2, अब 2 पे लिया है तो कैसे हाफ रेवोल्यूशन होगा, कहाँ पहुँच जाएगा, 8 पे पहुँच जाएगा, ठीक है। हो गया ये हाफ रेवोल्यूशन, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर्स मूव कर दो, ठीक है। इसी तरीके से मान लो अब हम ले लेते हैं 4, तो 4 पे है तो कहाँ जाएगा हाफ रेवोल्यूशन, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये जा रहा है 10 पे। ये हो गया यहाँ पे हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है। अब हमें बनाना है 3/4 रेवोल्यूशन। अब 3/4 रेवोल्यूशन बनाना है हमको, तो देखो 3/4 रेवोल्यूशन यानी कि जैसे कि इसको हम 4 पार्ट्स में अगर इस तरीके से डिवाइड कर लें, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो मान लो अगर हम बनाते हैं 12 पे हमारा आर हैंड है, तो 3/4 रेवोल्यूशन के बाद कहाँ पहुँच जाएगा, ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4, यानी कि हमारा जो हैंड है वो यहाँ आ जाएगा 9 पे, यानी कि 3/4 रेवोल्यूशन होता है इतना, ठीक है। कितने नंबर्स मूव किए हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 नंबर्स मूव किए हमने, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लॉक ले लेते हैं, मान लो हमारा आर हैंड है 3 पे, हमें मूव करना है 3/4, अगेन 9 नंबर्स मूव कर लेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हम पहुँच जाएंगे 12 पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3/4 रेवोल्यूशन, ठीक है। इसको मत काउंट करना, ये तो 1/4 होगा, 3/4 कौन सा हो गया, ये वाला रेवोल्यूशन, ठीक है। अब मान लो हमारा आर हैंड है 6 पे, अब अगेन 3/4 रेवोल्यूशन लेना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आ जाएगा 3 पे। तो ये हो गया 3/4 रेवोल्यूशन।
अब देखो, 9 ले लिया, 12 ले लिया, 3, ये सारे नंबर्स कवर हो गए। अब हम ले लेते हैं 1, ठीक है, मान लो 1 पे है। अगेन 9 नंबर्स मूव कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो हमारा हैंड पहुंच जाएगा 10 पे। ये हो गया थर्ड फोर्थ रेवोल्यूशन, ठीक है। इसी तरीके से 1 लिया था, अब 4 ले लेते हैं, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, चलो 5 ले लेते हैं, 5 ले लिया। अब 9 नंबर्स मूव कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कहाँ पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। ये हो गया थर्ड फोर्थ रेवोल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे हमारा ट्राई दिस होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।